आज के टाइम में मिक्सर ग्राइंडर हर घर में यूज होता है। मसालों को पीसने के साथ साथ आप सेक भी बना सकते हैं। आप इससे फ्रूट जूस भी निकाल कर बड़े आसानी से पी सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका नया मिक्सर ग्राइंडर जल्दी खराब होने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी ये खराब कैसे हो गया है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन गलती इसमें तो आपकी ही है, आप जाने अनजाने में गलत मिक्सर ग्राइंडर जो खरीद लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चैनल में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपको बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर पहचानने का तरीका बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर परचेस कर सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिक्सर ग्राइंडर खरीदते वक्त उसके वाट को जरूर चेक करें। अक्सर हम 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं जो कि कॉमन यूज में आता है, लेकिन अगर आपको मोटा अनाज पीसना है तो आपको ज्यादा वाट वाला मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना होगा। अगर आप 500 वाट वाले मिक्सर ग्राइंडर में दाल या चना वगैरह अनाज पीसते हैं तो इसके जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें 750 से 900 वाट वाला मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना होगा। आपको मोटर की स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए, ये काफी अहम है। इसको आरपीएम से चेक कर सकते हैं, स्पीड को आरपीएम से चेक करते हैं। आप जो घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं उसकी मोटर आमतौर पर 18,000 से 23,000 आरपीएम के बीच होती है। बड़ी बड़ी दुकानों पर जो मिक्सर ग्राइंडर यूज की जाती है उसका आरपीएम काफी अधिक होता है। मिक्सर ग्राइंडर कितने अच्छे से चीजों को पीसेगा ये उसके ब्लेड पर निर्भर करता है। ब्लेड स्टेनलेस स्टील वाला होना चाहिए, साथ ही शार्प वाला हो, इसलिए जार में लगे ब्लेड को जरूर चेक करें। कई बार हम जार को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं या ज्यादा देर तक चलाते हैं जिससे मोटर ओवरहीट हो जाती है। ऐसे में मिक्सर को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन का फीचर जरूर होना चाहिए। इससे ज्यादा भार बढ़ने से मोटर के जलने या टूटने का कोई भी डर नहीं रहता है। मिक्सर ग्राइंडर के साथ जार मिलते हैं, जितने जार अधिक होते हैं उतना फायदा अधिक होता है। अलग अलग चीजों को पीसने के लिए अलग अलग जार दिए जाते हैं। एक अच्छी कॉम्फी वाली मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 या 4 मिलते हैं, लेकिन इस जार की क्वालिटी आप जरूर देखेंगे। इसके साथ उसका ढक्कन भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर जार का ढक्कन कमजोर या उसकी रबड़ वीक है तो ग्राइंड टाइम जार का सारा सामान इधर उधर हो सकता है। आपको एक अच्छे ब्रांड का ही मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना चाहिए, क्योंकि अच्छे ब्रांड आपको मोटर के साथ साथ बाकी चीजों पर भी गारंटी और वारंटी भी देता है। गारंटी और वारंटी भी जरूर आपको चेक करना चाहिए। आपको अमेजोन पर आसानी से मिक्सर ग्राइंडर मिल जाएंगे। अगर आप इसे अपनी आंखों से देखकर खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अपनी नजदीकी दुकान से भी खरीद सकते हैं। फर्स्ट टाइम मिक्सर ग्राइंडर चलाने पर आपको जलने की स्मेल आएगी, क्योंकि मोटर पर वार्निश की कोटिंग होती है। कुछ टाइम यूज करने के बाद ये कोटिंग खत्म हो जाती है, फिर जलने की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने जितने भी मिक्सर ग्राइंडर बताए हैं सभी एंटी स्किड बेस वाला है और यह सभी ग्राइंडिंग नीड्स लाइक चटनी, प्यूरी, स्मूथी, मसाला, बैटर वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम आपको इंडिया के बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताते हैं। नंबर 10 पर क्रॉम्पटन का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजप्शन 750 वाट का है। इसका मोटर वेंटेक्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 ब्लेंडर जार विद फ्रूट फिल्टर के साथ मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच के साथ आता है। यह कुकिंग प्रिपरेशन के लिए ऑल इन वन मिक्सर ग्राइंडर है। इस मिक्सर ग्राइंडर का ग्रिप जार हैंडल्स, मल्टीफंक्शनल ब्लेड्स और एलिगेंट बॉडी डिजाइन है। यह बीट रूट कलर में अवेलेबल है। यह स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है जिससे कि आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। यह आपको अराउंड 3,000 में पड़ जाएगा। नंबर 9 पर लाइफ लॉन्ग का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 जूसिंग जार फूड फिल्टर के साथ मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच के साथ आता है। इसके जार का डिजाइन इजी ग्रिप हैंडल्स के साथ हैंडलिंग किया गया है। यह ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिल जाता है। यह आपको अराउंड 1900 में पड़ जाएगा। नंबर
8 पर बटरफ्लाई का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ आपको 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 जूसिंग जार फ्रूट फिल्टर के साथ मिल जाता है। यह जार ट्रांसपेरेंट लिड के साथ आता है जिसका हैंडल स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। इसका RPM 18,500 है। यह ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आता है। यह ग्रे कलर में अवेलेबल है। यह आप अराउंड 3000 में पड़ जाएगा। नंबर 7 पर बजाज का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ आपको 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 जूसिंग जार फ्रूट फिल्टर के साथ मिल जाता है। इसमें मल्टी फंक्शनल ब्लेड सिस्टम है। यह वाइट कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिल जाता है। यह आपको अराउंड 3500 में पड़ जाएगा। नंबर 6 पर सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 900 वाट का है। इसके साथ 2 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 ब्लेंडर जार मिलता है। इसका 22,000 RPM है। यह मिक्सर ग्राइंडर टोटली शॉक प्रूफ एंड सेफ है। यह वाइट कलर में अवेलेबल है। इसके साथ 2 साल का वारंटी मिलता है। यह आपको अराउंड 5400 में पड़ जाएगा। नंबर 5 पर प्रीति का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। यह हार्ड इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट में ग्राइंड कर देगा। इसके साथ 100% 3 स्टेनलेस स्टील जार मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके साथ आपको एक फ्लेक्सी लिड भी मिलता है। इस मिक्सर ग्राइंडर पर 72 घंटे साल्ट स्प्रे टेस्ट और 10 घंटे वाटर लोड ब्लेड टेस्ट हुआ है और 30 मिनट तक का कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग टेस्ट भी हुआ है और इस पर 215 घंटे मोटर इंड्यूरेंस टेस्ट भी हुआ है। यह ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आता है। यह मिक्सर ग्राइंडर वाइट कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 2 इयर्स गारंटी ऑन प्रोडक्ट विद लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस भी मिलता है। तो सब मिलाकर यह मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छा है। यह आपको अराउंड 3800 में पड़ जाएगा। नंबर 4 पर उषा का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 800 वाट का है। इसका मोटर 100% कॉपर का है। इसका हाई स्पीड ग्राइंडिंग 21,000 RPM है। इसके साथ 3 मल्टीपर्पस स्टेनलेस स्टील जार मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मोटर सेफ्टी के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच के साथ आता है। इजी स्टोरेज के लिए यह कॉम्पैक्ट डिजाइन में बना हुआ है। यह रेड कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 2 इयर्स ऑन प्रोडक्ट एंड 5 इयर्स ऑन मोटर वारंटी मिल जाता है। यह आपको अराउंड 3900 में पड़ जाएगा। उषा का ही यही मॉडल मैजेंटा कलर में भी अवेलेबल है। वो आपको अराउंड 3900 में पड़ जाएगा। नंबर 3 पर हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ 3 ग्रेड स्टेनलेस स्टील जार और 1 ब्रेक रेजिस्टेंट पॉलीकार्बोनेट जार विद फ्रूट फिल्टर एंड फ्रूट पुशर के साथ मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जार के लिड्स यूनिक ट्विस्ट और लॉक मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का यूनिक डिजाइन में 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड लगा हुआ है जिससे आपको बेस्ट ग्राइंडिंग रिजल्ट भी मिलता है। मोटर सेफ्टी के लिए हैवेल्स का यह मिक्सर ग्राइंडर ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आता है। यहाँ इजी टू क्लीन के लिए वाइडर माउथ जार है। हाई स्पीड ग्राइंडिंग के लिए 21,000 RPM है। इसके साथ आपको 2 इयर्स ऑन प्रोडक्ट एंड 5 ईयर ऑन मोटर वारंटी मिलता है। यह ब्लैक कलर में अवेलेबल है। यह मिक्सर ग्राइंडर आपको अराउंड 3700 में पड़ जाएगा। नंबर 2 पर प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और 1 ट्रांसपेरेंट जूसर जार विद सीव मिलता है। इसमें 4 सुपर इफिशियंट स्टेनलेस स्टील ब्लेड लगे हुए हैं जो फाइन ग्राइंडिंग रिजल्ट देता है। मोटर सेफ्टी के लिए ओवरहीट प्रोटेक्शन स्विच लगे हुए हैं। यह व्हाइट और ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 2 इयर्स ऑन मोटर और 2 इयर्स ऑन प्रोडक्ट वारंटी मिल जाता है। यह आपको अराउंड 3200 में पड़ जाएगा। नंबर 1 पर फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर आता है। इसका पावर कंजम्पशन 750 वाट का है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील लीक प्रूफ जार मिलता है। जार साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टफ इंग्रेडिएंट्स के लिए यह आपके लिए परफेक्ट ग्राइंडर है।
हल्दी वगैरह भी आप इसमें एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें क्विक कूल वेंटिलेशन फीचर भी है जिससे ये खराब नहीं होगा और इसका मोटर लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसे आप इजी टू क्लीन कर सकते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसके साथ आपको 5 ईयर्स ऑन मोटर वारंटी, 2 ईयर्स ऑन प्रोडक्ट वारंटी मिल जाता है। यह आपको अराउंड 4000 में पड़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर रिप्लाई दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।